गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्लाइकोलिसिस विच इज़ ए पार्ट ऑफ यूनिट टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। आप सभी जानते हैं ग्लूकोज इज ए मोनोसेक्राइड। इसका फिजिकल कैरेक्टर्स अगर देखें तो इट इज स्वीट इन टेस्ट। इट इज़ ए मेजर फ्यूल ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म एंड इट ऑक्यूपाइज ए सेंट्रल पोजिशन इन मेटाबॉलिज्म। इट इज़ रिलेटिवली रिच इन पोटेंशियल एनर्जी। आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टर्म ग्लाइकोलिसिस। This term is originated from Greek word glykis, which means sweet, and lysis means splitting. So glycolysis is the splitting of sweet compound. In glycolysis, a molecule of glucose is degraded into two molecules of pyruvate. Glycolysis is the first step in the breakdown of glucose. It is an anaerobic process and occurs in the cytoplasm of all living organisms. Glycolysis में दो distinct phases होते हैं और ये 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। इसका फर्स्ट हाफ और फर्स्ट फेज प्रिपरेटरी फेज या एनर्जी रिक्वायरिंग स्टेप्स होता है। इस पाथवे में ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल में ट्रैप कर लिए जाते हैं एवं 6 कार्बन युक्त जो ग्लूकोज है वो 2-3 कार्बन युक्त मॉलिक्यूल्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इस फेज को एनर्जी रिक्वायरिंग फेज कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस का सेकेंड फेज एनर्जी रिलीजिंग स्टेप्स है, इसे पे ऑफ स्टेप भी कहा जाता है। इस पाथवे में मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज होकर एटीपी और एनएडीपीएच के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इस स्लाइड में ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट हाफ फेज दिखाया जा रहा है, जिसमें ग्लूकोज एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के बाद डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसराइड्राइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते दिख रहे हैं। नाउ वी स्टार्ट विद प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इट्स फर्स्ट रिएक्शन इज फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। इस रिएक्शन में ग्लूकोज के 6th कार्बन फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस होती है, जिसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम एटीपी के टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर ग्लूकोज के 6th कार्बन पर करता है एवं ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनते हैं। यह एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सेकेंड रिएक्शन इज द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इस प्रोसेस में ओपन चेन एल्डोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसके आइसोमेरिक फॉर्म कीटोज जो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसमें कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम कैटालाइज करते हैं। यह एक रिवर्सिबल आइसोमेराइजेशन प्रोसेस है। थर्ड रिएक्शन है फॉस्फोरिलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इस रिएक्शन में एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज 1 एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, जिससे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनते हैं। इस रिएक्शन में एटीपी का सेकेंड मॉलिक्यूल इन्वेस्ट होता है। यह ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट कमिटेड स्टेप है। इसमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम एक रेगुलेटरी एंजाइम की तरह काम करता है, जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हैं। यह इरिवर्सिबल रिएक्शन है, अर्थात इसमें बनने वाला कंपाउंड फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट दूसरे पाथवे में डाइवर्ट नहीं हो पाते हैं। फोर्थ रिएक्शन इज द क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इन दिस रिएक्शन एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज क्लीव्स फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इंटू 2 ट्रायोज मॉलिक्यूल्स, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसराइड्राइड 3 फॉस्फेट। फिफ्थ रिएक्शन अकर्स इन ग्लाइकोलिसिस इज इंटर कन्वर्शन ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट आफ्टर द एल्डोलेज रिएक्शन टू ट्रायोज मॉलिक्यूल्स डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसराइड्राइड 3 फॉस्फेट्स आर यील्ड। बट इन नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस ओनली ग्लिसराइड्राइड 3 फॉस्फेट्स सर्व्स एज ए सब्स्ट्रेट, सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ अदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम convert dihydroxyacetone phosphate to glyceraldehyde 3 phosphate. This reaction is reversible conversion. After this reaction, one molecule of glucose has been converted to 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate. After the formation of glyceraldehyde 3 phosphate, second phase of glycolysis start. In this phase, oxidation of glyceraldehyde 3 phosphate occurs. इस रिएक्शन में एंजाइम ग्लिसराइड्राइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा ग्लिसराइड्राइड 3 फॉस्फेट 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन में ग्लिसराइड्राइड 3 फॉस्फेट में प्रेजेंट एल्डिहाइड ग्रुप का डिहाइड्रोजिनेशन होता है, जिससे उत्पन्न फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप एनहाइड्राइड बॉन्ड के साथ फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने से 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट बना लेते हैं। प्रोडक्ट 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट कंटेन्स ए हाई एनर्जी फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड विच मे बी यूज इन द नेक्स्ट रिएक्शन टू जनरेट एटीपी। ग्लिसराइड्राइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम विच इज पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन इज ए टेट्रामर एंड कंपोज ऑफ 4 आइडेंटिकल सबयूनिट्स। इस सबयूनिट्स कंटेन 1 बाइंडिंग साइट फॉर ग्लिसराइड्राइड 3 फॉस्फेट एंड अनदर फॉर एनएडी। एज द एंजाइम फॉर्म्स ए कोवेलेंट थायोस्टर बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट, ए हाइड्राइड आयन इज ट्रांसफर्ड टू एनएडी
in the active site and yield NADH. Seventh reaction is the transfer of phosphate group from 1,3-bis phosphoglycerate to ADP. Phosphoglycerate kinase transfer the high energy phosphate group from the carboxyl group of 1,3-bis phosphoglycerate to ADP and form ATP and 3-phosphoglycerate. In this reaction, phosphate group transfer from substrate 1,3-bis phosphoglycerate, so it is referred to as substrate level phosphorylation. In the 8th reaction, enzyme phosphoglycerate mutase catalyzes reversible shift of phosphate group between 2nd carbon and 3rd carbon of glucose. Phosphoglycerate mutase enzyme convert 3-phosphoglycerate into 2-phosphoglycerate compound. In 9th reaction of glycolysis, dehydration of 2-phosphoglycerate to phosphoenol pyruvate occurs. In this reaction, enolase enzyme catalyzes the reversible removal of water molecule from 2-phosphoglycerate to yield phosphoenol pyruvate. 10th and the last reaction of the glycolysis is the transfer of phosphate group from phosphoenol pyruvate to ADP. This reaction is catalyzed by pyruvate kinase enzyme. In this substrate level phosphorylation, the product pyruvate first appears in its enol form and after that it converts its tautomeric keto form. In this overall process, one molecule of glucose is converted into 2 molecules of pyruvate and 2 molecules of ATP. Thank you.